आप उस अर्जुन वकील को नहीं जानते हैं। बहुत ही चालाक वकील है। ये गवाह के मुंह से बयान घुमा फिरा के ऐसे निकलवा लेता है, ऐसे निकलवा लेता है कि गवाह को पते नहीं चलता है, पते नहीं चलता है उसने कब सब कुछ अपने मुंह से सच सच उगल दिया। प्रोसीड योर ऑनर। देवेंद्र राजा और बाबू के बयानात से साफ हो चुका है कि दिगंबर सिंह गरीबों की मदद की आड़ में उनके घर और जमीन उन पर कब्जा करने का धंधा चलाता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। उन तीन लड़कों के मामले में अदालत पहले ही फैसला सुना चुकी है, उस फैसले पर अब आगे सुनवाई नहीं की जा सकती। इस केस की सुनवाई का आदेश खुद अदालत ने दिया है। अब यह मामला हमले का नहीं है, हड़प का है। प्रोसीड योर ऑनर। पन्ना पर हुए हमले के मामले में सबूत और बयान दोनों ही इस अदालत को पेश किए जा चुके हैं और मेरा ये मानना है कि इनके बिना पर दिगंबर सिंह के खिलाफ गरीब लोगों का सामान और माल हड़पने का केस बनता है। योर ऑनर, मेरी आपसे अर्जी है कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई है। एक्सेप्टेड। इस केस की सुनवाई अगले महीने की 15 तारीख को तय की जाती है। योर ऑनर, आपसे एक विनती है। ऑब्जेक्शन। किस बात का? अभी तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है। आप बैठ जाइए। बोलिए। योर ऑनर, दिगंबर सिंह के कब्जे में 9 गरीब परिवारों के घर और कुछ जमीन के दस्तावेज और इसके अलावा 4 गरीब परिवारों के गहने और बर्तन भी इसके पास गिरवी पड़े हुए। क्या तुम इस दावे को कबूल करते हो? जी हाँ मिलोर, यह सच है कि ये सारे चीज हमारे पास में है, लेकिन डिपॉजिट के तौर पे। ये बात हम कई बार कह भी चुके हैं। और रही बात पैसों के लेन देन की, तो सूद पे पैसा लगाना हमारा बिजनेस है। योर ऑनर, दिगंबर सिंह के चाल चलन पे हमें शक है। हो सकता है कि इस केस की सुनवाई के दौरान ये गांव छोड़कर कहीं बाहर चला जाए और इस वजह से उन 9 गरीब परिवारों को बेवजह तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हमारी अदालत से दरखास्त है कि जब तक इस केस की सुनवाई चले तब तक दिगंबर सिंह को जमानत ना दी जाए। ये तो गलत होगा योर ऑनर। ये हड़पने का मामला सिविल का है, क्रिमिनल का नहीं है। ऐसे में मेरे मुवक्किल को जमानत पाने का पूरा हक है। अदालत कानून को जानती है, मगर वो 9 गरीब परिवारों की मजबूरी को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। दिगंबर सिंह जी मिलोर, मकान, जमीन के कागजात और अन्य लोगों से लिया हुआ सामान अदालत में जमा करो। जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि तुमने वो सारा सामान कानून के तहत लिया है, तब तक वो सारा सामान अदालत के पास रहेगा। उसके बाद ही तुम्हें अदालत जमानत दे पाएगी, वरना अदालत के पास तुम्हें पुलिस की हिरासत में रखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है मिलोर, हम इन सारी चीजों को कोर्ट में सौंपने के लिए तैयार। बेहतर। और 50,000 रुपए प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने के बाद यह अदालत तुम्हें जमानत देती है। जी। कैसा लग रहा है वकील साहब अपनी पहली देहाती जीत पर? बहुत अच्छा लग रहा है। जानती हो स्नेहा, यह मेरी पहली जीत है जिसकी खुशी मनाने के लिए तुम मेरे साथ हो। एक्चुअली बहुत अच्छे से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फीस ना मिलने पर भी? अरे फीस को मारो गोली। जानती हो अदालत में जब जज साहब ने दिगंबर से कहा ना
कि तुम्हें गरीब लोगों के घर के कागजात और उनकी गिरवी रखी हुई चीजों को अदालत में जमा करना होगा, वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। उसका चेहरा देखने लायक था और मेरी आंखों के सामने उन गरीब और बेबस लोगों का चेहरा आ गया जिनको दिगंबर ने ठगा था। पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आई। अर्जुन, तुम दुनिया के अकेले ऐसे वकील हो जिसने अपनी जीत पर आंसू बहाए होंगे। स्नेहा, बाहर से देखो ना तो गरीबी सामान्य समाज का सामान्य जीवन सा लगती है, लेकिन अगर करीब जाकर देखो ना तो महसूस होता है कि गरीबी हमारी एक क्रूर नाइंसाफी है। क्या हो गया है तुम्हें अर्जुन? इतने कम समय में कितने बदल गए हो? स्नेहा, अपने आसपास देखो क्या हो रहा है, हम किस तरह के इंसान बन रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो गरीब इंसाफ और नाइंसाफी के बीच के फर्क को समझ नहीं पाएगा। आज अदालत में जो हुआ उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा आम लोगों पर। वो लोग इंसाफ के दरवाजे पर बड़ी संख्या में दस्तक देंगे, कानून और न्याय में उनका विश्वास और भी बढ़ेगा। तुमने उन लोगों को उम्मीद की एक नई रोशनी दी, पर अगर तुम पीछे हट गए तो वो लोग टूट जाएंगे। तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी अर्जुन। नहीं स्नेहा, मैंने ये कदम पीछे हटने के लिए नहीं उठाया। यहां गांव में लोगों ने मुझे एक नया मकसद दिया है, जीने का नया तरीका सिखाया। अच्छा है, शादी के बहाने ना सही, गांव वालों की वजह से ही सही, हमारा मिलना जुलना तो बढ़ेगा। और लंबी सगाई चलती रहेगी। लंबी सगाई। या आशिमा, जीत गए? अर्जुन, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिंक मेटल्स वाला केस हम हार चुके हैं। हार गए? क्या मतलब हार गए? क्या कह रही हो तुम? ऐसा पहली बार हुआ है। नहीं आशिमा, हम ये केस नहीं हार सकते। तो तुम एक काम करो, तुम जजमेंट की कॉपी तैयार रखो और अपील के पेपर्स की सारी तैयारी शुरू कर दो। हम दोबारा अपील करेंगे। मैं अभी के अभी मुंबई वापस आ रहा हूं। दिगंबर बाबा, हमको अपने शरण में ले लो बाबा। अरे पहले बैठ जाओ, कोर्ट में खड़े खड़े टांगे दुख गई होंगी। बैठो बैठो, पहले आराम से बैठो। बोलो बाबा, हमारी मदद करो बाबा। हम क्या मदद कर सकते हैं भाई तुम्हारी है? तुम्हारा मामला तो कोर्ट में चल रहा है और वहां हमारे जैसे पहलवान का कोई तरीका चलता नहीं। अरे बाबा, आप इस जाल को पहचान नहीं रहे हैं? बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया हमारे खिलाफ बाबा। कानून के निशाने पे आप भी हैं। अब इसमें हमारा नाम कहां से आ गया? हमारे नाम का कौन सा केस चल रहा है ये बताओ। अरे बाबा, हम एक खाली जरिया हैं, जरिया आप तक पहुंचने के लिए। दिगंबर, तुम वही गाना तो नहीं गा रहे कहीं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे? अब आप क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो, हमारी आंखें ना सब कुछ देखती है और ये कान सब कुछ सुनते हैं, और खास तौर पर खतरे की घंटी को। अरे बाबा, आप क्या बोल रहे हैं, हम समझे नहीं बाबा। तो आप समझ लो, पन्ना को छेड़ने वाले लोंडो ने कोर्ट में अपना मुंह खोल दिया तो तुम्हारे धंधों की पोल खुल गई। अब तुम कोर्ट में खड़े हो,
तुम कितना मुंह खोलोगे ये बताओ पहले। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाबा आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारा मुंह से कभी भी आपका नाम नहीं निकलेगा। और बदले में क्या चाहिए ये तो बताओ। बाबा मदद। बाबा आपको तो मालूम ही है ना कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, एक को पैसा नहीं बचा, बाबा मोहताज हो गए हैं। एक वकील कर दीजिए हमारा लिए, एक ऐसा वकील कर दीजिए जो कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेके केसवा को उलझा कर रखे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पत्थर को अगर हाथ से निचोड़ोगे ना तो शरबत नहीं निकलेगा। और मदद बाबा पहलवान सिर्फ अपनी करता है, किसी और की नहीं, ये समझ लो। बाबा हम आपके हाथ जोड़ते हैं, कहियो तो हम आपका पैर दबाते हैं, हमको इस संकट से बाहर निकाल दीजिए बाबा। इसमें आपका भी फायदा है। अच्छा हमारा क्या फायदा है ये बता दे, चल पहले बता। अरे बाबा इसमें आपका फायदा ही फायदा है, आपको नहीं मालूम है? आप उस अर्जुन वकील को नहीं जानते हैं, बहुत ही चालाक वकील है, ये गवाह के मुंह से बयान घुमा फिरा के ऐसे निकलवा लेता है, ऐसे निकलवा लेता है कि गवाह को पते नहीं चलता है, पते नहीं चलता है उसने कब सब कुछ अपने मुंह से सच सच उगल दिया। अब तनिक सोच के देखिए बाबा कि अगर उसने घुमा फिरा के हमरे मुंह से भी आपका नाम निकलवा लिया तो गड्ढे में पड़े हो गहरे, लेकिन जुगाड़बाजी करने की आदत गई नहीं दिगंबर है? चलो तुम्हारी मदद हम कर ही देते हैं। जी बाबा जी, लेकिन हमारा एक उसूल है बेटा। क्या? हम बिना लिए किसी को कुछ नहीं देते। अब हमारा पास देने के लिए का बचे? तुम्हारा घर, जमीन, जेवर, इन सब के कागजात हमारे पास रख दो भाई, यारी दोस्ती में। अगर सब कुछ ले लीजिएगा तो हमारा का होगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे, अरे हम लूट जाएंगे बाबा। लूट तो तुम चुके हो दिगंबर, अगर बचना चाहते हो ना तो बीच भंवर में इस कागज रूपी कश्ती में सफर तो करना ही पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर स्नेहा भी आते ही होंगे, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरी लुगाई तुम्हारी सहेली है, इसी खातिर मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपकी और अपनी सहेली की सेहत का ख्याल पूरा रखूंगी। नमस्ते जी। नमस्ते। बैठी बैठी जी। स्नेहा दी, ये कलावती है और ये इनके पति प्रसाद, मैंने आपको बताया था ना? हाँ, बहुत अच्छा कि आप लोग यहाँ आए। बेहतर होगा कि आप अपनी बात खुद बताएं, खुलकर बात करें। जी, मुझसे एकदम खुलकर बात कीजिए, मुझे अपनी दोस्त भी मानिए, सिर्फ डॉक्टर नहीं। हमारे दो बच्चे हैं और जी दरअसल अभी हम और कोई बच्चे नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, देखिए कितना आसान है बताना। मगर मुझे मतलब इन्हें कॉन्डम से ना जाने कौन सा बैर है, कहते हैं उसमें कोई बात ही नहीं है। स्नेहा दी, मैंने इन्हें बताया है कि कॉन्डम के अलावा और भी कई तरीके हैं। जी अच्छा कलावती, तुम्हारी उम्र कितनी है? जी अगले महीने 19 की हो जाऊंगी। इतनी कम उम्र में दो बच्चे पैदा करना अच्छा नहीं है, सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो अब क्या करना होगा? देखिए कॉन्डम एकमात्र उपाय नहीं है
अनचाहे गर्भ से बचने का। परिवार नियोजन के और भी कई तरीके हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, जैसे कि IUD, गोलियां और अब तो इंजेक्शंस भी हैं। मगर मेरा दोस्त कहता है जी, वो कहता है कि किसी उपाय की जरूरत नहीं है, औरत की महामारी का दिन देखकर अपने आप हिसाब लगा लो तो। ये सच है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब औरत गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन उन दिनों का तसल्ली से ध्यान रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर कहीं गलती से कलावती गर्भवती हो गई तो? वो कहता है कि बच्चा गिराया जा सकता है। आपका ये दोस्त कौन है? उससे मिलना पड़ेगा, बहुत ही गलत बातें सिखाई है उसने आपको। गर्भपात गर्भ नियोजन का उपाय नहीं है, और इसका हर्जाना औरत को अपने शरीर से चुकाना पड़ता है। बार बार गर्भपात कराने से जान को भी खतरा है। नहीं नहीं, मैं कलावती को किसी खतरे में नहीं डालूंगा। आप बस उपाय बताइए, मगर उसमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। एक उपाय ऐसा है जो आपको 100% बेफिक्र कर देगा। कौन सा उपाय? उसे मस्त बंदी कहते हैं, और जिन पतियों ने उसे कराया है वो काफी खुश हैं इससे। आप नसबंदी की बात कर रही हैं? जी हाँ, उसे मस्त बंदी माना जाता है, क्योंकि वो है फिक्र का अंत और प्यार करने की पूरी आजादी। नहीं, उससे तो मर्दानगी पर असर पड़ता है। ना तो मर्दानगी पर असर पड़ता है और ना ही सेहत पर, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। हमें चलना चाहिए। कुछ बात है क्या? एक ही बात है पन्ना, इन्हें करने में कोई झिझक नहीं होती, और उसी बारे में बात करो तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। डॉक्टर जी साहिबा, आप ही समझाइए ना इन्हें, मैं तो हार गई हूं अब। नहीं कलावती, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें साफ कह दिया है कि या तो कोई उपाय निकालो या फिर रोज रात को खटिया बाहर निकाल के सोया करो अकेले। उसकी नौबत नहीं आएगी। प्रसाद जी, आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना? जी। बस तो फिर मस्तबंदी से अच्छा तोहफा एक दंपति के लिए कोई हो ही नहीं सकता, मान जाइए। अगर मस्तबंदी करवा लूं तो? मस्तबंदी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। काट छाट तो होगी ही। स्नेहा दी, मुझे लगता है कि ये मन से तो मस्त बंदी के लिए तैयार है, बस तीन औरतों के बीच में बैठ के इसके बारे में बात करने से थोड़ा। समझ गई, तुम ऐसा करो, इन्हें डॉक्टर अशोक के पास ले जाओ, बाकी की बातें वो इन्हें समझा देंगे। जी जी जी, शुक्रिया इतना अच्छा उपाय बताने के लिए। यस अर्जुन वकील साहब, ये तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी है। अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर अपने शहर लौट जाओ, वरना अपनी जान से जाओगे, समझे? आप सुनो सुनो सुनो, तुम ना डरपोक और कायर, क्योंकि अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत होती ना, जरा सी भी, तो तुम फोन पे नहीं सामने आके बात करते। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब कौन करवा रहा है। एक काम करना, उन गुंडों को ना जरा मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, और एक बात और कहना कि मैं मुंबई से बोरिया बिस्तर लपेटकर उन्हीं के इलाके में रहने आ रहा हूं, और इस बार तो मैं पूरी ताकत के साथ उनके सीने के ऊपर बैठने वाला हूं, समझा?
अभी हमने देखा प्रसाद का रवैया। गर्भपात को गर्भ निरोधक उपाय नहीं समझना चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसका महिला के शरीर पर भारी असर पड़ता है। गर्भपात हमेशा मेडिकल डॉक्टर द्वारा ही किया जाना चाहिए और होगी सिर्फ आपातकालीन स्थिति में। आप ही सोचिए, गर्भ निरोध के लिए कई उपाय आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे कॉन्डम, IUD या कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां या डिम्पांथरा सुई। इतने सारे विकल्प आपके हाथ हैं, तो फिर गर्भ रोकने के लिए अपनी पत्नी की सेहत और परिवार की खुशहाली को दांव पर क्यों लगाना। पन्ना के मस्पितारे में झांकिए, आपको गर्भ निरोधक के सारे सुरक्षित उपाय मिल जाएंगे, या फिर नजदीक के किसी भी PHC तक पहुंच जाइए। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ, मैं ये भी मैं वो भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी।